उर्दू पाकिस्तान की बहू हो सकती है, बेटी तो हमारी ही है, क्योंकि जन्मी तो यही है इसी देश में, हमारे हिंदुस्तान में। तो ये पराई कब से हो गई, ये उनकी कब से हो गई? खैर, ये एक बात हमें समझने की जरूरत है कि जबान रीजन्स की होती है, रिलीजन्स की नहीं। और हम में से वो तमाम लोग जो बहुत प्रो हिंदी हैं, मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप शुद्ध हिंदी, प्योर हिंदी बोलते कब हैं? एक मामूली सी बात अगर आपको कहनी है कि जरा एक गिलास पानी लाना, ये मामूली सी बात है, जरा एक गिलास पानी लाना दिन में आप 10 बार बोलते होंगे। जरा एक गिलास पानी लाना में आपने जरा उर्दू बोला, ग्लास इंग्लिश बोला, पानी उर्दू बोला, आपने हिंदी कहां बोली? अगर आप इसे शुद्ध हिंदी में कहते तो कुछ यूं कहते कि किंचित या तनिक जल का एक पात्र लाना। आप ऐसे बात करते हैं क्या? आप तो यही कहेंगे जरा गिलास पानी लाना। तो जो भाषा जिस तरह से समझ में आती है वही उसका सही सौंदर्य है, उसकी वही ब्यूटी है। मैं आज स्टूडियो आने के लिए घर से निकला तो थोड़ी मुझे देर हो गई, मेरे मैनेजर ने मुझे फोन किया कि सर बहुत देर हो गई, आप कब पहुंचेंगे स्टूडियो? मैंने कहा यार सुबह का वक्त है और ट्रैफिक इतना ज्यादा है। मैं सोच रहा था कि अगर इसी बात को मैं शुद्ध हिंदी में कहने की कोशिश करता तो मैं कैसे कहता, क्योंकि मैंने यार तो उर्दू बोला, सुबह मैंने उर्दू बोली, वक्त मैंने उर्दू बोला, ट्रैफिक मैंने इंग्लिश बोली, ज्यादा मैंने उर्दू बोला, मैंने हिंदी कहां बोली? यार सुबह का वक्त है, ट्रैफिक इतना ज्यादा है, तो ये मैं ऐसे कहता कि मित्र प्रातःकाल है और राजमार्ग पर वाहनों का आवागमन प्रचुर है। क्या मैं ऐसे बोलूंगा और क्या ऐसा कोई समझेगा? तो जबानों की प्योरिटी में अपना वक्त बर्बाद ना करें। हम एक साझी संस्कृति का हिस्सा हैं, हम गंगा जमुनी तहजीब का हिस्सा हैं, जितनी हमारी हिंदी है उतनी ही हमारी उर्दू है। इन दोनों के बीच में कोई बंटवारा, कोई फर्क करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये फर्क कभी हो नहीं सकता। और वो लोग जो हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान का नारा लगाते हैं, मैं बहुत हम्बली उनसे एक बात कहना चाहता हूं कि दोस्त, हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान, ये तीनों हिंदी के वर्ड्स नहीं है, ये उर्दू के लफ्ज हैं। है ना, सोचने वाली बात है।